हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जेके एसएसबी एस्पिरेंट के लिए। तो जेके एसएसबी का जो आज का ऑफिशियल अपडेट है, गुड न्यूज़ है सभी एस्पिरेंट के लिए। तो न्यू सिलेक्शन लिस्ट आउट होके आई है। तो किसकी सिलेक्शन लिस्ट रहने वाली, आपने अपना लिस्ट में नाम चेक करना है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है कैंडिडेट्स की और BLW क्लासेस और उसकी प्रेपरेशन रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मसिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे और क्लास फोर्थ का भी इस वीडियो में बात है जो वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशन अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन लिस्ट को चेक करते हैं, उसके बाद क्लास फोर्थ, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मसिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट और BLW की जो बात है वो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जी आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो जहाँ पे हम बात करेंगे सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट UT लेवल पे जो 29/12/2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, आइटम नंबर 234, जिसमें जो 21 वैकेंसी थी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, OM 10C, SC 2, ST 2, OSC 1, ALC 1, RBA 2, PSP 1, EWS 2, टोटल थी 21। ठीक है, जिसकी मिनिमम 10+2 रखी गई थी, सब्जेक्ट से मैथ और बायोलॉजी, और 1 जो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से उसका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। तो कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वो नोटिफिकेशन नंबर जो 20/12 को आया था, उधर जहाँ पे इनका रिजल्ट स्कोर शीट कैंडिडेट्स की दिखाई गई थी, उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 फेब से लेकर 7 फेब तक बुलाया था। और जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, इसमें जो 21 कैंडिडेट हैं उनके साथ 12 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, और इनको कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो आप इधर जो सबमिट है वो उन कैंडिडेट ने जो पहले किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आज का जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया, जिसमें 21 की फाइनल सिलेक्शन है और 12 वेटिंग कैंडिडेट रहेंगे, आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2/6 का। तो जहाँ पर आप कैंडिडेट का जो नेम है वो चेक कर सकते हो, एनेक्सर ए में डेट ऑफ बर्थ भी जहाँ पर लिखी गई है, ओपन कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, इनका कितने परसेंटाइल जो स्कोर था वो आ रहा है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट देख सकते हो उमर रियाज, मोहम्मद आरिफ मलिक, फैजल जान, अमनदीप सिंह, फयाज अहमद राथर, उसके बाद मीर वारिस मजूर, उसके बाद अजय शर्मा, और उसके बाद शाह फयाज रियाज, विजय कुमार। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में भी जान देख सकते हो, RBA में मंजूर अहमद जिनके 99.9, और इसके बिलाल अहमद भट्ट, और ALC में संजय शर्मा। ठीक है, इन सब के कैंडिडेट के जहाँ पे जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, EWS अमित गस, राहुल देव सिंह, उसके बाद जहाँ पे EWS की वेटिंग कैटेगरी में निखिल शर्मा, जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जहाँ पे आए हुए हैं। तो आप भी अपना नेम इस लिस्ट में चेक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें, जो नेक्स्ट बात करनी है कि BLW की प्रेपरेशन और आपकी नेक्स्ट जो बात करते हैं, उसके बाद BLW की आपकी क्लासेस मंडे से आपको रेगुलर बेसिस पे जो स्टडी मटेरियल कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा BLW का। और उसी के साथ बात करें वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मसिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट, इसके लिए क्रैश कोर्स जाने की आपको जो क्वेश्चन बेस्ड आपको कंप्लीट GK कराई जाएगी, और इंग्लिश और GK सेक्शन आपका डन है तो कम्प्लीट आपको सेक्शन कराए जाएंगे। तो आपके उनके लिए प्रेपरेशन जो करनी है, और तुरंत उसके बाद आपका जो मॉक टेस्ट भी इसका सबसे पहले कंडक्ट किया जाएगा वेटनरी, वाइल्ड लाइफ और स्टॉक असिस्टेंट का, उसी के बाद आपको जो कमी रहेगी उसी के बेस पर है जो वो की जाएगी। ठीक है, और BLW की रेगुलर बेसिस पे आपको मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और क्लास फोर्थ की बात करें तो रिसेंटली कुछ अपडेट मिले थे, जिसमें क्या बात की गई थी कि 10-12 दिन के अंदर शायद इसका कुछ ना कुछ हो जाए। तो इसका जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें जो लगाई गई थी कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स द्वारा कुछ अपील की गई थी, तो उसी के माध्यम से इसमें कुछ डिले था। और जो मतलब सोर्सेज के माध्यम से बात करें तो इसकी जो प्रेपरेशन है लिस्ट की, तो वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसमें कुछ मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा JKSSB की तरफ से, ताकि दोबारा कुछ परेशानी ना हो। तो उसी को देखते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी होप्स हो कि सब कुछ स्टूडेंट के फेवर में हो, जैसा कैंडिडेट को लगता है कि सब कुछ वैसा अच्छे से हो, कोई इसमें मतलब परेशानी दोबारा सामना नहीं करना पड़े कैंडिडेट्स को, ताकि स्टूडेंट कंटिन्यूसली डिप्रेशन में नहीं जाएं। JKSSB थोड़ा और समय 1-2 दिन ऊपर करके लिस्ट को निकाले, लेकिन अभी कोई भी डाउट है जो वो नहीं होना चाहिए इस जो कैंडिडेट्स को इस लिस्ट फाइनल को निकाल के बाद। तो अभी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आज के स्टूडियो में बस इतना ही।